ओके बेटा, हम लोग पहुंचे स्टैट्स में, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, सम्स वाले पेजेस। क्वेश्चन 13, ऑपरेशन रिसर्च बोलते हैं इस सब्जेक्ट को, इस सब्जेक्ट को बोलते हैं ऑपरेशन रिसर्च। ठीक है, चलो अभी धीरे धीरे शुरू करते हैं। हमारा सेकंड मेथड है आज, आज का जो हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक को बोलेंगे, सेकंड मेथड को ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में, आज का जो टॉपिक है इसको बोलेंगे मैट्रिक्स मिनिमा मेथड। मैट्रिक्स मिनिमा मेथड को लीस्ट कॉस्ट मेथड भी बोलते हैं, एक ही बात है। ठीक है, सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम बाय मैट्रिक्स मिनिमा मेथड। यहाँ पे आपको फ्रॉम एबीसी, मतलब ये एबीसी फैक्ट्री है, टू 1 2 3 4, ये चार शोरूम या डेस्टिनेशन है, और ये डिमांड लिखा हुआ है, मतलब 1 2 3 4 चार शोरूम पे इतनी डिमांड है, और एबीसी तीन फैक्ट्री में इतना सप्लाई है, इतना प्रोडक्शन है, 20 40 60, टोटल 120 होता है, और 20 50 25 25 20 50 25 25, टोटल 120 होता है। अंदर की तरफ जो है वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, बाहर की तरफ क्वांटिटी है, जो मैं लास्ट मेथड में नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में बता चुका हूँ। इनका टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 365 रुपीज है, हमारा भी इतना आना चाहिए। चलो, मैट्रिक्स मिनिमा मेथड के रूल्स होते हैं, तीन स्टेप्स होते हैं। स्टेप 1, सबसे पहले आपको ढूंढने का मिनिमम कॉस्ट, अगर मिनिमम कॉस्ट रिपीटेड हो तो आपको उस मिनिमम कॉस्ट के सामने मैक्सिमम क्वांटिटी ढूंढने का, अगर मैक्सिमम क्वांटिटी भी रिपीटेड हो तो आपको देखने का नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, जो हमारा पहला मेथड था। तो सबसे पहले देखने का कि मिनिमम कॉस्ट कहाँ पे है, फिर ये देखने का कि अगर मिनिमम कॉस्ट रिपीटेड हो तो ये देखने का कि सबसे बड़ी क्वांटिटी मैक्सिमम क्वांटिटी कहाँ पे है, और अगर मैक्सिमम क्वांटिटी भी रिपीटेड हो तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में जाने का, ये सब इस क्वेश्चन में आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये सारी चीजें इस क्वेश्चन में कवर हो जाएंगी। अब ये ऊपर वाला जो क्वेश्चन था वो मैंने पूरा कॉपी किया है, अंदर जो येलो बैकग्राउंड है वो पूरा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, 8665419237103, ये मैंने कॉपी किया है पूरा, 8665419237103, 8665419237103, ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है और बाहर की तरफ क्वांटिटी है। अब सबसे छोटा कॉस्ट इनमें थे, जहां पे रुपीस लिखा है, मैंने जहां पे रुपीस का सिंबल लिखा है उनमें से सबसे छोटा कॉस्ट कहां पे है, तो इनमें से सबसे जो लोएस्ट कॉस्ट है 8665419237103, और 17 3 इनमें से सबसे छोटा मिनिमम कॉस्ट है 1 रुपी। इस 1 रुपी में यहाँ पे एक छोटा सा डॉट लगा देंगे, इस वन के सामने आपको ढूंढना है कि इस वन के सामने क्वांटिटी कौन सी है, तो वन के सामने क्वांटिटी है 50, नीचे की तरफ 50, और इसी वन के सामने राइट साइड पे क्वांटिटी कौन सी है, तो इसी वन के सामने राइट साइड पे क्वांटिटी है 60। ठीक है, तो वन के सामने नीचे की तरफ क्वांटिटी है 50 और राइट साइड पे क्वांटिटी है 60, तो छोटी क्वांटिटी कौन सी हुई, 50, तो 50 यूनिट्स हम लोग अंदर दे देंगे, जो छोटी क्वांटिटी है 50 उसको अंदर डाल देंगे, 50 यूनिट्स। ठीक है, 2 मिनट लगेंगे मेरे को, 50 यूनिट्स को अंदर डाल दिया। ठीक है, चलो 50 यूनिट्स अंदर दे दिया, अब नीचे भी 50 माइनस कर देंगे, 50 और 60 में से छोटा कौन सा था, 50, तो 50 अंदर दे दिया, अब दोनों साइड से 50 50 माइनस कर दो, नीचे 50 माइनस 50 जीरो हो जाएगा, और साइड में 60 माइनस 50, तो 60 माइनस 50 कितना होता है, 10, तो दोनों साइड से मैंने 50 50 माइनस कर दिया, नीचे भी 50 माइनस कर दिया तो 50 माइनस 50 जीरो हो गया, और राइट साइड पे भी मैंने 60 माइनस 50 कर दिया तो 10 हो गया। अब ये वर्टिकली जीरो हो गया, वर्टिकली जीरो हो गया, तो जो वर्टिकली जीरो हो गया उसको हम लोग कट कर देंगे, इस लाइन को हम लोग, इस 541 वाली लाइन को, पूरी लाइन को हम लोग कट कर देंगे, ये वर्टिकली जीरो हो गया तो इसको मैंने कट कर दिया। ठीक है, अब जो कट हो गया 541, 5 रुपीज, 4 रुपीज, 1 रुपीज, उसको कंसिडर नहीं करना। अब जो दूसरे लोएस्ट है उनको कंसिडर करो, 8665923713। ठीक है, इनमें से सबसे छोटा कौन सा कॉस्ट है, 8665923713, तो इनमें से सबसे छोटा कॉस्ट है 2 रुपीज, यहाँ पे एक छोटा सा डॉट लगा देने का 2 रुपीज के बाजू में, 2 रुपीज के सामने नीचे की तरफ क्वांटिटी है 25 और 2 रुपीज के सामने साइड में क्वांटिटी है 40, तो नीचे की तरफ 2 के सामने नीचे क्वांटिटी है 25 और 2 के सामने राइट साइड पे क्वांटिटी है 40, तो 25 और 40 दोनों में से छोटा कौन सा है, 25, तो दोनों में से जो छोटी क्वांटिटी है 25 इसको हम लोग अंदर भेज देंगे, 25 को जो छोटी क्वांटिटी है,
टू के सामने नीचे 25, राइट साइड पे 40, तो छोटी क्वांटिटी है 25, 25 को अंदर भेज दिया। अब नीचे भी 25 माइनस कर दो, तो नीचे 25 माइनस कर दोगे तो 25 माइनस 25 नीचे की तरफ जीरो हो जाएगा, और राइट साइड पे 40 में से भी 25 माइनस कर दो, तो 40 में से 25 माइनस कर दोगे तो 40 माइनस 25 होता है 15, दोनों साइड से 25 25 माइनस कर दिया तो नीचे जीरो हो गया और साइड में 40 माइनस 25 हो गया 15। अब फिर से वर्टिकली जीरो हो गया तो फिर से वर्टिकल वाली लाइन हम लोग कट कर देंगे, जो वर्टिकल 923 वाली लाइन थी, ये 923 वाली लाइन जो थी उसको हम लोग कट कर देंगे, ठीक है। चलो अब जो कट हो गया उसको नहीं देखना है, जो कट हो गया उसको नहीं देखना है। अब हमारे पास कौन सा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, 866 713, 866 713, जो कट हो गया उसको भूल जाओ, 866 713। बीच वाले जो दो कॉलम्स थे, ये वाला कॉलम टू वाला, डेस्टिनेशन टू वाला और डेस्टिनेशन थ्री वाला, ये कट हो गया, इनको मत देखो। अभी बाकी बचा 866 और 713, तो इनमें से लोएस्ट कौन सा है, थ्री, यहाँ पे थ्री में एक छोटा सा डॉट लगा दो। अब थ्री के सामने नीचे की तरफ क्वांटिटी है 25, थ्री के सामने नीचे की क्वांटिटी है 25 और थ्री के सामने राइट साइड पे क्वांटिटी है 10 वाली, यहाँ बेटा जो न्यू क्वांटिटी है 10, 60 मत देखो, 60 हमारा कट हो गया है, 10 को देखो, तो 3 के सामने नीचे है 25 और 3 के सामने राइट साइड पे है 10, तो छोटी क्वांटिटी है 10, तो मैं 10 को अंदर भेज दूंगा, जो छोटी क्वांटिटी है 10 उसको मैं अंदर की तरफ भेज दूंगा, ठीक है। तो 25 और 10 में थे, छोटा था 10 तो 10 हमने अंदर भेज दिया। अब दोनों साइड से 10 10 माइनस कर दो, 10 माइनस 10 ऑब्वियसली 10 माइनस 10 जीरो हो जाएगा, 10 माइनस 10 बाकी बचेगा जीरो, और यहाँ पे 25 में से भी 10 माइनस कर दो, तो 25 माइनस 10, 25 माइनस 10 कितना होता है 15 होता है, 15। अब राइट साइड पे जीरो हो गया तो ये इसको रो बोलते हैं, ये रो वाइज जीरो हो गया, तो रो वाइज जीरो हो गया तो रो को कट कर दो, जो ये 6133 वाली रो है, ओरिजेंटल रो, इसको कट कर दिया मैंने, ठीक है, 6133 वाली जो रो थी उसको मैंने कट कर दिया क्योंकि रो वाइज जीरो हो गया। अब बाकी बच गया ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो कट नहीं हुआ है, 86 और 710, 86 710। अब लोएस्ट कॉस्ट कौन सा है, 6। हमारा पर्पस ये है, इस चैप्टर का पर्पस ये है कि हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सबसे कम होना चाहिए, तो 86 710 में थे छोटा कौन सा है, 6, 86 710, इन तीनों में थे सबसे छोटा कौन सा है, 6, यहाँ पे एक छोटा सा डॉट लगा दिया। 6 के सामने नीचे की तरफ जो क्वांटिटी है 6 के सामने वो है 20 और राइट साइड पे 6 के सामने जो क्वांटिटी है राइट साइड पे वो है 15, पुराना क्वांटिटी 40 मत देखो, नया क्वांटिटी है 15, 6 के सामने राइट साइड पे 15, 6 के सामने नीचे 20, तो छोटा कौन सा है 15, जो छोटा है 15 उसको हम लोग अंदर सप्लाई कर देंगे क्वांटिटी को, छोटी क्वांटिटी 15 इसको अंदर ट्रांसफर कर दिया, और दोनों साइड पे 15 15 माइनस कर दो, 15 माइनस 15, तो 15 माइनस 15 राइट साइड पे हो जाएगा जीरो, और नीचे की तरफ पहले 20 था तो 20 में थे 15 हमने माइनस कर दिया, 15 अंदर भेज दिया, तो 20 माइनस 15 बाकी बचेगा 5, बाकी बचेगा 5, ठीक है। अभी फिर से राइट साइड पे जीरो हुआ, अब राइट साइड पे जीरो हुआ तो ओरिजेंटली बोलते हैं जीरो हुआ मतलब रो को कट करना पड़ेगा, रो ओरिजेंटल होती है उसको कट करना पड़ेगा, ये वाली 6 4 2 10 वाली रो कट हो जाएगी क्योंकि राइट साइड पे जीरो हुआ, राइट साइड पे जीरो हुआ तो ओरिजेंटली कट करो, नीचे जीरो हुआ तो वर्टिकली कट करो। अब हमारे पास दो ही ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बच गई, एक 8 रुपीज और एक 7 रुपीज, तो दोनों में से छोटा कौन सा है, 7, 7 पे एक डॉट लगाओ, एक दो ही बच गए, एक 8 एक 7, छोटा है 7, छोटा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 7, 7 पे एक डॉट लगाओ। अब 7 के सामने नीचे की तरफ क्वांटिटी है 15 और 7 के सामने राइट साइड पे क्वांटिटी है 20, तो नीचे 15 है 7 के सामने, राइट साइड पे 20 है, छोटा क्वांटिटी कौन सा हुआ 15, तो जो छोटा क्वांटिटी हुआ 15 उसको अंदर भेज दो। मैं फिर से बोलता हूँ, ये जो 7 है इस 7 के सामने नीचे की तरफ क्वांटिटी है 15 और इसी 7 के सामने राइट साइड पे क्वांटिटी है हमारा 20, इसी 7 के सामने राइट साइड पे हमारा क्वांटिटी है 20, नीचे 15 साइड में 20, तो छोटा क्वांटिटी कौन सा है 15, 15 को अंदर भेज दिया। अब नीचे 15 माइनस 15 जीरो हो जाएगा, नीचे की तरफ 15 माइनस 15 जीरो हो जाएगा और राइट साइड पे 20 माइनस 15, 20 माइनस 15 बाकी कितना बचेगा 5 बचेगा, ठीक है। अब नीचे जीरो हो गया तो वर्टिकली जीरो हुआ तो वर्टिकली कट करेंगे, तो ये जो 7 10 3 वाली
कॉलम है 7.10.3 वाला, उसको कट कर दिया। अभी एक ही ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बच गया, कौन सा बच गया, एक ही बच गया हमारा 8, ये वाला 8। 8 के सामने नीचे की तरफ क्वांटिटी 5 है और 8 के सामने राइट साइड पे भी क्वांटिटी 5 है, दोनों साइड 5 5 है और हमेशा लास्ट में टैली होगा ही। ये 5 क्वांटिटी को हम लोग अंदर भेज देंगे, 5 क्वांटिटी अंदर भेज दिया, 8 में नीचे भी 5 था और राइट साइड पे भी 5 था, दोनों साइड 5 5 था। अब साइड वाला 5 भी कट हो गया तो ये हो जाएगा 0 और नीचे वाला 5 जो है वो भी कट हो गया, वो भी हो जाएगा 0। लास्ट में सारी क्वांटिटीज 0 ही हो जाती है। अब लास्ट में हम लोग इसको इसकी रो भी कट कर देंगे, ठीक है, और इसका कॉलम भी कट कर देंगे, दोनों साइड 0 हो गया ना। अगर कभी दोनों साइड 0 हो रहा है तो दोनों साइड कट कर देने का, दोनों साइड 0 हो गया तो दोनों साइड कट कर दो। अब जहां जहां पे आपने क्वांटिटी सप्लाई की है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 5 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 8 रुपीज। मैं धीरे धीरे यहाँ पे लिखते जा रहा हूँ, पहले पुराना, ये पुराना क्वेश्चन था उसको डिलीट कर देता हूँ, पुराने आंसर को, ठीक है, ये पुराना आंसर था पहले वाले संबंध। चलो अभी स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। तो ये 8 × 5 × 8 15 × 6 जहां जहां पे क्वांटिटी दी है बस वही 5, ये 5 क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 8 और 15 क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 6, 5 8 15 6, 5 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 15 मल्टीप्लाई बाय 6 डन। अब ये 50 क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 1, 50 क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। अब ये 25 × 2 15 × ये 7 है, हाँ सही, 25 × 2 15 × 7, 25 × 2 15 × 7, ये 25 × 2 और 15 × 7। लास्ट एक ये वाला है 10 × 3, जहां जहां पे क्वांटिटी दी है बस वही 10 × 3, तो ये 10 × 3, बस इसको मल्टीप्लाई करते जाओ तो ये आएगा 40, 5 × 8 = 40 प्लस 15 × 6 = 15, 6 कितना होता है 90 प्लस 51 = 50 प्लस 25 × 2 = 50 प्लस 15 × 7 = 15, 7 = 105 होता है, 105 होता है प्लस 10 × 3 = 30 होता है, राइट। ये मैंने सब मल्टीप्लाई कर दिया, चलो एक बार चेक करें, 5 × 8 = 40 15 × 6 = 90 51 = 50 25 × 2 = 50 15 × 7 = 105 10 × 3 = 30, इन सबको प्लस करते हैं तो 40 प्लस 90 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 105 प्लस 30, ये आया 365 रुपीज और ये आंसर राइट है, हमने चेक किया था स्टार्टिंग में ही 365 राइट है, ठीक है। अब ये जो है मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे मैं आपको ये वाला एग्जांपल बताता हूँ 50 वाला। ये 50 जो है ना बेटा थर्ड रो है, थर्ड हॉरिजॉन्टल रो है और सेकंड कॉलम है, तो इसको बोलते हैं X32। थर्ड रो हमेशा पहला नंबर रो का होता है, हॉरिजॉन्टल रो और सेकंड कॉलम, तो ये थर्ड रो सेकंड कॉलम में 50 है ना, ये देखो ये वाला देखो आंसर में X32, 32 मतलब थर्ड रो के सेकंड कॉलम में 50 क्वांटिटी आनी चाहिए, ठीक है। ये सब जो X11 = 5 है, X14 = 15 है, ये एग्जाम में नहीं लिखना है, ये सिर्फ आपका आंसर वेरीफाई करने के लिए टेक्स्ट बुक वालों ने दिया है, ठीक है। ये हमारा सम कंप्लीट हो गया, एक बार मैं स्क्रॉल करता हूँ, लिखना अच्छे से, ये मेरा नाम और नंबर है, कुछ भी सीखना हो तो बताना, मैट्रिक्स मिनिमम मेथड, ये रूल्स लिखना अच्छे से, कोई भी इस सम में रिपीटेड मिनिमम कॉस्ट आया ही नहीं, मतलब हमको इस मेथड का और भी टिपिकल लेवल प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और भी वीडियो मेरे को बनाने पड़ेंगे टिपिकल वाले, इसमें कोई भी मिनिमम कॉस्ट रिपीटेड ही नहीं था, तो एक बार ही था सब मिनिमम कॉस्ट सब जगह पे, ठीक है। तो टिपिकल वाले का भी वीडियो बनाएंगे, पहले इजी वाला सीखो, इतना लिखो, लिखो बेटा, लिखते रहो सब लोग, मैं हमेशा बोलता हूं लिखोगे तो ही याद रहेगा, प्लीज लिखना सारा, लिखते रहो।